जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BCOS 183 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लाने का प्रयास किया जो कई बार रिपीट भी हुए हैं, चाहे एग्जाम्स हो या असाइनमेंट के एग्जाम्स हो, दोनों में एक कई बार पूछा गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके सेशन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है। और इससे पहले भी BCOS 183 की कई क्लासेस हो चुकी है, जो भी तक पिछली क्लासेस नहीं की है उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BCOS 183 के नाम से, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से आप सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आज के सेशन में कौन से क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण है। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड में कहा जाता है मल्टीमीडिया क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसको देखना बेहद ज़रूरी है। और कहा जाता है मल्टीमीडिया सीखने के क्या फ़ायदे हैं, इससे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी प्रोजेक्शन प्रोटेक्शन जो है में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। देखिए, आप सभी ध्यानपूर्वक इसका उत्तर में सुनिए और मैं जो एग्जाम्पल लूँगा सिंपल तरीके से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप सबों को डायरेक्ट आपके माइंड में चला जाए। आप यदि एक बार भी वीडियो देखते हैं ना, तो आपके डायरेक्ट में माइंड में चला जाए। ऐसा नहीं है कि दोबारा से आपको रटना पड़े, PDF देखना पड़े वगैरह, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए आप सभी। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है मल्टीमीडिया होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। क्या कहा जाता है मल्टीमीडिया के बारे में समझने के लिए जो है ना, सबसे पहले हमें मीडिया शब्द का समझना बेहद ज़रूरी है। आखिर ये मीडिया क्या होती है, इसके बारे में अगर जान जाते हैं तो हमको मल्टीमीडिया समझ में आ जाएगा। है कहता है ना मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, पता ना, तो उसी प्रकार का सबसे पहले वो मल्टी तो कॉमन हो गया, उसके पहले हम लोग मीडिया के बारे में जानेंगे। आप सभी समझ रहे होंगे मीडिया के बारे में, जो न्यूज़ रिपोर्टर हो, मीडिया वाले हो, मतलब उससे मिलता जुलता है, वो भी इसमें आते हैं। और इसे और भी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कहा जाता है मीडिया प्रसारण के समर्पित है, मीडिया जो है प्रसारण के समर्पित है, उसके द्वारा जो है उसकी हित में है। और कहा जाता है जिसमें वीडियो तथा वीडियो संपादन एवं समाचार मंचों हो गया, समाचार माध्यम आदि सम्मिलित हैं। जैसे आपको मैंने अभी जैसे मन में आपका सब जरूर आया होगा कि मीडिया, अरे यार मीडिया तो वही है जो रिपोर्टर होता है, जो न्यूज़ बताता है, समाचार पत्रों में आता है, टीवी में आता है ना, तो वो मीडिया है। हाँ, वही मीडिया है। और वो मीडिया क्या करती है, आपके वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता है, न्यूज़ को बताने का, जो क्या चल रहा है करंट में इसके बारे में आपको संवाद कराता है, पता करवाता है, या तो समाचार पत्रों में जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो भी एक प्रकार का मीडिया है। मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि कहाँ क्या हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है संपूर्ण मल्टीमीडिया में विभिन्न मीडिया व माध्यम, जैसे कि एनिमेशन हो गया, मीडिया, वीडियो, सिनेमा, ग्राफिक डिजाइन तथा उनके उपकरण शामिल है। यानी कि मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल है, जैसे आप सिनेमा जो देख रहे हो, मूवी देखते हो, या कोई कॉमेडी देखते हो, एक किसी प्रकार की वीडियो देखते हो, तो किस प्रकार की होती है, वो भी एक प्रकार का मल्टीमीडिया है। ये मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती है। जैसे आप सभी भी प्रेजेंट टाइम में मेरी क्लासेस कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहे हो, ये भी एक प्रकार की मल्टीमीडिया है। ठीक है, जिसके माध्यम से मैं मल्टीमीडिया के बारे में मुझे पता है, जैसे कि मैंने वीडियो पहले बनाया, वीडियो बना के मैंने आप सबों के बीच जो यूट्यूब पे अपलोड करा, ये सभी जो मल्टीमीडिया ही है। इसमें किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से अपलोड किया जाता है, ये सब प्रोसेस का अगर हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो एक प्रकार का मीडिया मल्टीमीडिया के रूप में इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का सिनेमा वाला भी क्या करता है, पहले वो शूटिंग करता है, मतलब पहले वो स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी लिखने के बाद मूवी शूटिंग करते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं, फिर जो भी हो ऐसे सारी प्रक्रिया करने के बाद आप सबों के बीच सिनेमा घरों में उपलब्ध कराते हैं। तो ये मल्टीमीडिया जो है इसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मल्टीमीडिया के अकॉर्डिंग उसी प्रकार कहा जाता है मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ग्राफिक्स हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशन हो गया, ये सब जो है ना, अगर एक वीडियो बनाने में काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, एनिमेशन की आवश्यकता होती है, एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशंस हो, यानी बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं चलो अभी मैं साउंड की अगर मैं सिर्फ PDF आपको ऐसे दिखा के चला जाऊँ तो आप कुछ भी समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं अपना खुद का वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, PDF आप सबों के बीच लाता हूँ। तो ये भी मल्टीमीडिया का ही एक प्रकार है, इसका अंग है।
ठीक है। उसी प्रकार का था जो उपयोगकर्ता और संवादात्मक डिजिटल साधनों के उपयोग की व्याख्या करता है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, वीडियो, ध्वनि, ग्राफिक्स एवं एनिमेशन आदि तत्व शामिल है, ठीक है। वही बातें फिर से नहीं थे, वही सब चीज़ें शामिल है इसमें। और कहा जाता है एनिमेशन और मल्टीमीडिया के बारे में सीखने से आपको जीवन के अधिकांश समय में नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप एनिमेशन हो मल्टीमीडिया के बारे में अगर जान जाते हैं ना, तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते हो, आप खुद का एक पेशा रोजगार ढूंढ सकते हो, ठीक है। आप अगर मान के चलो आप में क्षमता है, आप अच्छे कर सकते हो, आपको मल्टीमीडिया के बारे में जानकारी है, एनिमेशन के बारे में पता है, अच्छी तरीके से आप बोल सकते हो, समझा सकते हो, तो आप किसी प्रकार का वीडियोज बना के यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो। ये भी प्रकार का मल्टीमीडिया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डालते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें जो मल्टीमीडिया के बारे में उसको जानकारी है, उसमें योग्यताएं हैं, वो जो इस प्रकार का जॉब करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा के खुद कर मतलब कि अपना पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना मल्टीमीडिया के टास्किंग के बारे में है। उसके बाद कहता आप घर पर रहकर यही सब आय अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे बहुत सारे जो बच्चे से बच्चे लेकर जो ना आजकल जो ना वीडियोज बना बना के अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं और अच्छे खासे उसके पास फॉलोवर भी बन चुका है। आपको पता होगा आपके गांव मोहल्ले में भी जरूर कोई ना कोई यूट्यूबर होगा, कोई ना कोई ब्लॉगर होगा, कोई ना कोई इंस्टाग्राम में रील्स बनाता होगा, जरूर होगा, और वो अच्छे खासे इनकम करते होंगे। आप जो वीडियो देख रहे हो आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे। अरे एग्जांपल मेरा खुद ले लो ना, मैं खुद आप सब की आपके लिए क्लास लाता हूँ, क्लास लाने के बाद मुझे भी अर्न होती है, जो सही है सही है, हकीकत है यही, आपको भी पता है मैं अर्न कर रहा हूँ, मुझे इनकम हो रही है इससे, सही बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ना लगभग फिल्मों में संगीत वीडियो उद्योग से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे। और इसी में पहला जैसे कहा जाता है उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है। इसे उपयोगकर्ताओं की संख्या की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उपयोगकर्ताओं की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं इसमें होना ही चाहिए, ठीक है। और अर्थात यानी कि कोई डेमो या प्रदर्शन देखने के लिए बैठ सकता है, कोई भी पाठ पढ़ सकता है, ध्वनि सुन सकता है, इसे दर्शकों की विविधता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एवं इसमें एक व्यक्ति से लेकर दूसरे समूह तक को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार कहते हैं मल्टी सेंसरी यानी कि बहुसंवेदी, यह कोई उपयोगकर्ताओं के ज्ञान का उपयोग करता है। मल्टीमीडिया के उपयोग के दौरान देखना, सुनना व बात करना शामिल है। इसका उपयोग दर्शकों की परिवर्तनशीलता के बारे में किया जा सकता है व इसमें एक व्यक्ति से लेकर पूरे समूह तक को शामिल किया जा सकता है। अरे मान के चलो जैसे मूवी में ही, क्या मूवी में सिर्फ अकेले का रोल होता है, योगदान होता नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों का होता है। इससे क्या होता है, जितना लोगों को वो जोड़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ना आप सबों को मनोरंजन करा सकेंगे, ठीक है। तो ये प्रकार की बातें हैं। उसी प्रकार से व्यापक एवं परस्पर संवादात्मक डिजिटल एकीकरण द्वारा पारस्परिक बातचीत व आसान प्रतिक्रिया की संभावना आसान हो जाती है। यह बहुत लचीला भी है तथा इसे विभिन्न परिस्थितियों व दर्शकों के अनुकूल बनाने के लिए आसानी से बदला जा सकता है। ये जो ना जिस तरह से दर्शकों की मांग होगी, जो दर्शकों को जो जैसे पसंद होगा उसके अकॉर्डिंग इसके जो है अपने आप में बदल सकता है। इसमें ये लचीला टाइप का होता है। जैसे मान के चलो कि जैसे अभी मान के चलो मैं ही एक वीडियोज बना रहा हूँ, आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ, यदि मेरी क्लासेस आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या मैं आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब उसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, मतलब अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, तो मुझे भी ये उसमें कमेंट भी आएगा कि आप अच्छे नहीं समझाते हो, ये वो मतलब बहुत कमी है, तो वो कमेंट मैं देखूंगा, कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगा नहीं कुछ तो कमी है जिसके माध्यम से आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो इससे क्या होता है, मैं और ये कोशिश करने लगता हूँ कि नहीं मैं अगले सेशन में जो है उसको बेस्ट दूँ, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ जिस सेशन में अगर कोई बैड कमेंट भी आ जाए ना कभी भी, तो ऐसा लेकिन बहुत कम देखने को मिला है अब तक और आगे का पता नहीं, लेकिन मैं डेली का डेली पर डे जो है ना अपने आप में खुद में मतलब बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बेस्ट दे पाऊँ आप सबों के बीच, ठीक है। तो यही बातें हैं, अगर कमेंट आ रहा बैड कमेंट के बाद जो है ना मैं इसमें बदलाव लाने का प्रयास करता हूँ, मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, ये एक प्रकार का लचीलापन हुआ। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट में कहा जाता है गहरी सहानुभूति। मल्टीमीडिया ज्ञान मस्तिष्क की अभिव्यक्ति को सामग्री के मौखिक व व्यू प्रस्तुतिकरण के बीच संबंध बनाने के लिए गति प्रदान करता है।
और जिससे एक गहन विचारशील सोच उत्पन्न होती है, जो अन्य स्थितियों के ज्ञान सीखने के हस्तांतरण का समर्थन करता है, जो आज की 21वीं सदी की कक्षाओं के लिए यह सब महत्वपूर्ण है, जो ये छात्रों को भविष्य के लिए उच्च स्तरीय सोच, समस्या व समाधान ठोस व कौशल के लिए तैयार करता है। देखिए, गहरी सहानुभूति मल्टीमीडिया से अगर इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई है, इसके बारे में हम लोग मस्तिष्क में कुछ भी मतलब प्राप्त हो गई है, सब कुछ ज्ञान पर अर्जित हो गया है, तो इसके माध्यम से क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था ना आपके घर घर में लगभग यूट्यूबर हो गया, मल्टी ब्लॉगर हो गया, या रील्स बनाने वाले हो गए, ये सब 21वीं सदी जो चल रही है उसमें जो ना ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। सब चीज़ों छात्रों को पढ़ाया जाता है, जैसे मान के चलो ये आप जो है इसमें से बहुत सारे बी ए जी प्रोग्राम के हैं और बी कॉम जी प्रोग्राम के भी हैं, है ना। ये क्या किया इग्नू वालों ने, जबकि बी ए वालों को ले तो ये सब जरूरी नहीं है कि ये सब सब्जेक्ट का जानकारी हो, लेकिन फिर भी क्या किया है, इसको ऐड किया है। और इसमें क्या क्या बताया है, मल्टीटास्किंग के बारे में ये बताने का प्रयास किया है कि आप व्यापार कर सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से समझा सकते हो, वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो, इससे अर्न कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है ना ये छात्रों के लिए, इसके छात्रों के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है। उसी प्रकार का था समस्या हल करने के में सहायक, ये सब चीज़ें ना जैसे मान के चलो मानव मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा है व्यू प्रसरण के लिए ज़्यादा समर्पित रहता है, इससे एक टेक्स्ट के साथ व्यू वीडियो और एनिमेशन का उपयोग मस्तिष्क को अत्यधिक कार्यशील करता है। छात्र के विचार और स्मृति धारण करने में वृद्धि होती है। मल्टीमीडिया सीखने से उन परिस्थितियों में छात्र उस परिदृश्य को अधिक आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, जैसे मान के चलो मैं अभी जो वीडियोज बना रहा हूँ, सिर्फ ये क्या होता है, सिर्फ इसमें जो है टाइपिंग किया हुआ चीज़ों को मैं समझा दिखा के पढ़ा रहा हूँ। अगर इसी में मैं करता जैसे कि मल्टीटास्किंग के बारे में मैं वीडियो इसके साथ साथ वीडियोज भी आपको दिखाता, मल्टीटास्किंग के बारे में आपका जो ना फोटो भी क्लिक करके दिखाता, तो वो आप कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा हूँ इससे बेहतर तरीके से आप समझते हैं। मुझे भी पता वो अगर वैसा वीडियो बनाता तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता, लेकिन समय का अभाव है और उतना मेरे पास भी समय नहीं होने की वजह से तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। आगे फ्यूचर में ज़रूर मैं वैसा कर पाऊँगा जिससे कि आप सबों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। इसी प्रकार अगला कहा जाता है जानकारी की एक विशाल विविधता के लिए उपयोग, जैसे कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन, इंटरनेट के छात्र आज उन सूचनाओं को खोजने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए पहले से बेहतर सुसज्जित है, जिनकी वजह जरूरत है। यानी कि पहले क्या होता था, यही 5 साल पहले जो ना स्मार्टफोन थे लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था, लेकिन अब जो ना हर घर 5-5 स्मार्टफोन है, बच्चे बच्चे के पास स्मार्टफोन है, है ना। ये सब चीज़ों से क्या हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला है, नया नया चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर मान के चलो अभी जो यही आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं भी अगर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता तो आप वहाँ आते, आप जैसे मान के चलो आप बहुत दूर के हो, अलग स्टेट के हो, आप तो नहीं आ पाओगे ना। तो इसे क्या हुआ, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो आप कहीं भी हो, घर के किसी कोने पे हो, जहाँ से इंटरनेट जा रही हो तो वहाँ से आप सभी मेरी बातों को सुन पा रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूरतें हुई है। उसी प्रकार का था ग्राफिक्स का उपयोग करके प्रस्तुतियों को और अधिक रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है, यानी ग्राफिक्स का होता है। देखिए, अगर कोई भी वीडियोज में अगर ग्राफिक्स का उपयोग करेंगे ना हम लोग, वो वीडियो जो अधिक ज़्यादा रोचक हो जाएगी, मनोरंजन करने वाले होगा, वो देखने लायक हो जाएगा। आप जानते होंगे कि मूवी सब में ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है वीडियोज वगैरह में, ठीक है। वो सब चीज़ों का अगर उपयोग करेंगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण वाले वीडियोज बनेंगे। ये सब चीज़ें किससे होती है, किसके माध्यम से होती है, सारे के सारे चीज़ें जो है मल्टीमीडिया के माध्यम से होती है, वो उसके अंतर्गत है। ये सभी एक प्रकार का भाग है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मल्टीमीडिया के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। और एक अच्छी और सुखद ग्राफिक्स प्रस्तुति एक ऐसी चीज़ है जो सुचूड़ी सुरुचि की दृष्टि से मनभावन व सुसंगत हो, जो विषय और लेखक से दर्शकों का ध्यान भटकाए, भटाने के लिए पर्याप्त और से अनुकूल है, जो शब्द बोले जाते हैं, मतलब वही जैसे मैंने बताया ना, वो सिर्फ चीज़ें हैं इसमें निहित है। उम्मीद करता हूँ कि आप मल्टीमीडिया के बारे में समझ चुके होंगे, इसके क्या क्या उपयोग थे इसके बारे में भी समझ चुके हैं, ग्राफिक्स के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीमीडिया के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है मल्टीमीडिया के बारे में अगर कोई भी दुविधा हो, मतलब कोई दुविधा नहीं रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ ये भी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुकी होगी। और आज के सेशन में बस एक ही सवाल रहने देंगे, और बहुत ही जल्द और भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। और आप सभी को से एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछे, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।